हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स एज पर इंडियन रेगुलेशन एंड यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉस्मेटिटिकल फॉर कॉस्मेटिक्स इसके बारे में आज के क्लास में थोड़े से डिटेल में देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स एज पर इंडियन रेगुलेशन के बेस पे इसका डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में तो इसमें जैसे बोला जा रहा है एज पर सेक्शन थ्री ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 के बेस पे इसका जो डेफिनेशन है वो बोल रहा है अदरवाइज अप्लाइड टू द ह्यूमन बॉडी और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर क्लिनिंग ब्यूटीफाइंग प्रमोटिंग एट्रेक्टिवनेस और अल्टरिंग दस एंड इंक्लूड एनी आर्टिकल इंटेंडेड फॉर यूज एज अ कंपोनेंट ऑफ कॉस्मेटिक अब इसका बेसिक से जैसे डेफिनेशन बोला जा रहा है इसके बारे में हमने जो कॉस्मेटिक और कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट था उसमें भी इसको डिफाइन किया था तो उसमें भी आप चीज आप लोग इस चीज को देख सकते हो ठीक है इसके डेफिनेशन को देख सकते हो तो इसमें जैसे बोला जा रहा है कि जो कोई भी ऐसा आर्टिकल कोई भी ऐसा चीज जिसको हम लोग रब्ड करते हैं पोर्ड करते हैं स्प्रे करते हैं अदरवाइज हमारे बॉडी में अप्लाई करते हैं क्लिनजिंग के लिए ब्यूटीफाइंग के लिए है ना अट्रेक्टिव दिखने के लिए तो उन सब चीजों को क्या बोला जाता है कॉस्मेटिक्स बोला जाता है एज पर इंडियन रेगुलेशन सेकंड जैसे देखिए कॉस्मेटिक रेगुलेशन इन यूरोपियन यूनियन अब इसमें इसका डेफिनेशन जैसे देखें तो फिर इसमें बोला जा रहा है द यूरोपियन यूनियन कॉस्मेटिक्स द यूरोपियन यूनियन कॉस्मेटिक्स डायरेक्टिव डिफाइंड A cosmetic as an substance or preparation intended to be placed in uh, contact with the various external part of the human body or with the teeth and the mucous membrane or the oral cavity which a view exclusively or mainly to cleaning them and perfuming them, changing their appearance and or correcting body. एंड और करेक्टिंग बॉडी ऑर्डर एंड और प्रोटेक्टिंग देम और कीपिंग देम इन गुड कंडीशंस अब इसमें जैसे बोला जा रहा है इसके डेफिनेशन जैसे देखें यूरोपियन यूनियन के बेस पे इसका कॉस्मेटिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया गया है तो इसमें वजह से बोला जा रहा है कि कोई से भी ऐसा प्रिपरेशन uh, जिसको हम लोग जो हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट से अटेज हो है ना उसमें हम लोग कोई भी चीज यूज कर रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं फॉर किस चीज के लिए क्लिनजिंग के लिए परफ्यूमिंग के लिए है ना चेंजिंग अपेयरेंस एंड हमारे बॉडी और ऑर्डर को कम करने के लिए हमारे जो स्किन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारे ऑल uh, ओवर जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं उसको अच्छा रखने के लिए जो चीज हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है कॉस्मेटिक्स बोला जाता है एज पर यूरोपियन यूनियन ठीक है इसके बेस पे इसका ये डेफिनेशन है तो आगे जैसे देखें अब सेकंड जैसे देखें द यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन अब इस पे जैसे रेगुलेशन इसमें जैसे देखें है ना रेगुलेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स के बारे में जैसे देखें इसमें तो इसमें जैसे बोला जा रहा है

Uh, prior to marketing list all ingredients and the product's label and comply with any रिस्ट्रिक्शन डेट आर स्टेबलाइज फॉर कॉस्मेटिक इंग्रेडियंट एंड प्रोडक्ट्स। अब इसमें जैसे बोला जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन दोनों ने क्या किया जो मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं कॉस्मेटिक बना रहे हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कई सारे सेफ्टी के बारे में ध्यान दिया गया और कोई सा भी ऐसा चीज है जो क्या कर रहे हैं कोई सा भी कहीं भी अगर ऐसा रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, है ना कि प्रोडक्ट हमें ये चीज़ यूज नहीं करना है तो उस पर भी इन्होंने क्या किया ध्यान दिया कि हम इस चीज में रिस्ट्रिक्शन है तो फिर इस चीज का हम लोग उस इंग्रेडिएंट का जो है यूज हम लोग उस कॉस्मेटिक्स में यूज नहीं करेंगे इस तरीके से इन दोनों ने क्या किया इन सब चीजों पे ध्यान देके कॉस्मेटिक्स का फॉर्मुलेशन किया एनी पोटेंशियल रिस्क फ्रॉम प्रोडक्ट इन एसिस्ट एस पार्ट ऑफ इट्स सेफ्टी एंड इवोल्यूशन अब इसमें जैसे बोला जा रहा है कोई से भी अगर रिस्क आ रहा है तो अगर कोई से भी रिस्क उस प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है तो उसमें कंज्यूमर्स uh, के सेफ्टी के लिए उसमें कई सारे इवोल्यूशन किए गए उसमें कई सारे चेंजेस किए गए उसके पार्ट में उसके इनग्रेडियंट्स में अब आगे जैसे देखें इवोल्यूएशन ऑफ कॉस्मोसिटिकल फ्रॉम कॉस्मेटिक्स अब इसके बारे में जैसे देखें तो जो कॉस्मेटिक कॉस्मोसिटिकल प्रोडक्ट्स है उसी का डेफिनेशन है उसी का जो हिस्ट्री है इसमें हमको समझ में आएगा कि क्या होता है क्या किस तरीके से इसमें इवोल्यूशन हुआ किस तरीके से ये बदलते गया है ना आगे इसके बारे में अब इसमें जैसे फर्स्ट बोला जा रहा है द वी आर द फर्स्ट रिकोगनाइज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉस्मेटिक्स अब जो इजिप्शियन लोगों ने सबसे पहले कॉस्मेटिक्स के बारे में जाना जिनकी हेल्थ प्रॉपर्टी में कैसे यूज किया जा रहा है उसके बारे में एंड जैसे बोले सेकंड जो है टू द नाइनटीन सेंचुरी दिस वॉज नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल एंड सेपरेशन अक्योर्ड वेन द फर्स्ट मॉडर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वॉर डेवलप अब जो नाइनटीन सेंचुरी में जैसे देखें तो फिर इन्होंने कुछ ऐसा कॉस्मेटिक्स uh, में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था देन उसके बाद जैसे देखें आगे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने जो है मॉडर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने इस कॉस्मेटिक्स में कई सारे डेवलपमेंट किए है ना कई सारे उसमें बदलाव किए सेकेंड जैसे बोला जा रहा है ऑस्मोस्यूटिकल रैपिडली एक्सपेंडेड इन द नाइनटीन एटीज ड्यू टू हाइड्रोक्सिल एसिड यानी कि हाइड्रोक्सी एसिड नेचुरल फ्रूट एसिड यूज एस एक्सफोलियंट नेचुरल फ्रूट एसिड यूज एस एक्सफोलियंट अगेंस्ट uh, विंकल्स अब इसमें जैसे बोला जा रहा है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज uh, ने जो है इसमें कई सारे डेवलपमेंट किए तो इसमें 18, 1980s में ये चीज इन्होंने देखा कि जो हाइड्रोक्सिल एसिड जो है यानी कि जो नेचुरल फ्रूट एसिड रहता है इसका यूज जो है हम लोग किसमें कर सकते हैं एक्सपोलेशन अगेंस्ट विंकल्स विंकल्स के व्रंकल्स uh, को ठीक करने में इस चीज का यूज किया जा रहा है मतलब कि एक तरीके से एक्टिव एजेंट प्लस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यानी कि फार्म कॉस्मोस्यूटिकल uh, प्रोडक्ट्स तो इस तरीके से इसमें थोड़े से डेवलपमेंट होने लगे इवोल्यूशन होने लगे अब जैसे आगे देखे रैमन रिड फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट सोसाइटी ऑफ कॉस्मेटिक केमिस्ट क्वाइन द टर्म ऑफ कॉस्मोस्यूटिकल इन नाइनटीन अब इसमें जैसे देखें रेमन रिड जो थे ये फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट सोसाइटी ऑफ कॉस्मेटिक केमिस्ट के मेंबर थे जिन्होंने इस चीज को नाम दिया जिन्होंने इस प्रोसेस को जैसे बोले एक कॉस्मेटिक और एक्टिव इंग्रेडिएंट का जो मिक्सर है उसको नाम दिया कॉस्मेसिटिकल 1961 में ठीक अब जैसे आगे देखें इन इन 1971 एल्बर्ट क्लिंगमैन रीएक्टिवेट इंटरेस्ट इन कॉस्मोसिटिकल बाई डेवलपिंग अ फॉर्मूला टू इम्प्रूव देंस ऑफ यूवी डैमेज एंड रिंकल्स स्किन यूजिंग एसिड अब इसमें आगे जैसे बोला जा रहा है इन 1971 सेवनटी वन एलबर्ट रीएक्टिवेट इंटरेस्ट इन कॉस्मोसिटिकल अब जो एलबर्ट uh, क्लिंगमेन्स uh, जो थे 1971 में थोड़े से इसमें इंटरेस्ट दिखाया कॉस्मोसिटिकल cosmocytical, कॉस्मोसिटिकल्स में एंड बाय डेवलपिंग अ फॉर्मूला, फॉर्मूला में थोड़े से डेवलपमेंट के लिए टू इंप्रूव द अपेयरेंस ऑफ यूवी डैमेज एंड व्रिंकल स्किन यानी कि जो यूवी से जो हमारा स्किन जो है वो डैमेज होता है उस उसपे एंड विंकल स्किन पे थोड़े से इन्होंने इंप्रूवमेंट के लिए क्या किया यूजिंग रेटोनोक एसिड का उसमें यूज किया मतलब कि फॉर्मुलेशन में थोड़े से चेंजेस किए थोड़े से डेवलपमेंट किए एंड आगे जैसे देखें दे आर अप्लाइड टॉपिकली एज कॉस्मेटिकल बट कंटेनिंग इंग्रेडिएंट्स दैट इन्फ्लुएंस द स्किन बायोलॉजिकल फंक्शन अब आगे जैसे देखें तो फिर कॉस्मेटिकल इंप्रूव अपीयरेंस बट दे डू सो बाय डिलीवरिंग न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर हेल्थी स्किन अब इसमें जैसे बोला जा रहा है कि जो हमारा कॉस्मेटिकल जो uh, प्रोडक्ट रहता है वो क्या करता है इम्प्रूव अपेयरेंस हमारे स्किन के अपेयरेंस को इम्प्रूव करता है एंड बट दे डू सो बाय डिलीवरिंग न्यूट्रिएंट्स लेकिन ये और क्या करता है हमारे स्किन uh, पे हमारे बॉडी पे यानी कि स्किन सरफेस पे जैसे उस चीज को वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है और हमारे स्किन को हेल्थी बनाए रखता है तो ये इसका बेसिक सा इवोल्यूशन है कि इवोल्यूशन है कि, कि किस तरीके से जो है कॉस्मोसिटिकल ने थोड़े थोड़े करके डेवलपमेंट की ठीक है आई होप आप लोग को आज का क्लास अच्छे से समझ आ गया होगा तो अगर आप लोग के लिए आज का वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो